यहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं, उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में देख रहे हैं कि उसके जीवन में वो किस तरीके से परमेश्वर को अपनाता है और किस तरीके से परमेश्वर को ठुकराता है, यहाँ पर हम देखते हैं। ये यीशु मसीह है और ये अभी अपना जीवन परमेश्वर को लेने जा रहा है। जीवन के बारे में देख रहे हैं वो किस तरीके से यीशु मसीह को अपनाता है, किस तरीके से यीशु मसीह को ढूंढता है, फिर भी यीशु मसीह उसे प्यार करता है और फिर से उसे अपनाता है, उसके बारे में हम आज यहाँ पर देख रहे हैं। ये यीशु मसीह है और अभी अपना जीवन यीशु मसीह को देने जा रहा है। हे प्रभु, मैं मेरा जीवन आपको समर्पित करता हूँ, आप इसे अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। अभी ही अपने उत्पन्न का पहला हक दशांश परमेश्वर को देने जा रहा है। हे प्रभु, इस हफ्ते का मेरा पहला दशांश है, आप अपनी सेवकाई के लिए इसे इस्तेमाल कीजिए। अभी दूसरे हफ्ते का दशांश परमेश्वर को देने जा रहा है। हे प्रभु, ये मेरे पैसे नहीं चाहिए, इस हफ्ते में मैं आप 6 हफ्ते में जरूर आपको आपका दशांश भी दूंगा, मैं वादा करता हूँ, पर मुझे इस पैसे की आज बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ प्रभु मैं अगले हफ्ते आपको जरूर मिला के दूंगा। अक्सर हम भी ऐसा ही करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए हम परमेश्वर का दशांश परमेश्वर को नहीं देते, हम बहुत सारी चीज़ों को महत्वपूर्ण ठहराते हैं। मुझे तो चाहिए। अरे यार, ये तो गोबर से कितने का है? 200 रुपए। मुझे चाहिए। इस रीति से उसने अपना पूरा दशांश संसार की वस्तुओं को उड़ा दिया। अभी अपना हृदय परमेश्वर को देने जा रहा है। हे प्रभु, ये मेरा हृदय है, मैं आपको देता हूँ, आप इसमें निवास कीजिए। अभी उसने अपना दिल यीशु मसीह को दे दिया है। और अभी इसे टहल रहा था और अचानक से उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है। अब उसके याद आता है कि उसका हृदय उसके पास यही है, उसने तो यीशु मसीह को दे दिया है और अभी वो उसे वापस मांगने जा रहा है। हे प्रभु, मुझे मेरा हृदय थोड़ा चाहिए। और इसी तरह से हम भी प्रिय ऐसा ही करते हैं, हम भी यीशु मसीह से अपना दिल वापस लेते ले लेते हैं किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, और फिर हम वही व्यक्ति को अपना दिल दे देते हैं। आई लव यू। अरे
बात कर रहे हैं। अभी अपना समय परमेश्वर को देने जा रहा है। हे प्रभु, ये समय मेरा आपको दे रहा हूँ, आप अपनी महिमा के लिए इसे इस्तेमाल कीजिए। जो कुछ मेरा है वो सब कुछ आपका ही है। अभी हम परमेश्वर को समय तो दे देते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु मेरा सारा समय तेरा है, पर हम यहाँ पर देते हैं कि किस तरीके से हम अपना समय परमेश्वर को नहीं देते पर हम संसार को दे देते। यहाँ पर चर्च में अभी वो स्तुति आराधना कर रहे हैं। हम स्तुति करेंगे प्रभु को और हम प्रभु की महिमा करेंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। प्रभु का कितना महान आज हम वचन देखेंगे। प्रभु को वचन कहता है, मन फिराओ पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हेलो, मैं वादा किया था ना मैं आऊंगा, आप थोड़ा वेट करो ना, क्योंकि प्रभु अच्छा है और भला है। हेलो, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। हे प्रभु, मुझे मेरा समय वापस चाहिए मेरा दैनिक जीवन जीने के लिए। अरे मुझे भी मिलने आ गए बच्चों।
दिया। अभी ये सोशल मीडिया के बारे में, सुबह से शाम तक उसने अपने फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ अपना समय बिताया। अभी रात का समय है और अभी भी ये मोबाइल पर ही बिजी है। अभी रात के 2 बज रहे हैं। अभी यीशु मसीह इसके पास आता है। ये मेरे बेटे, संसार के कामों में तुम इतने व्यस्त हो गए हो कि मेरे लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। यीशु मसीह उसे उठाने जाता है पर वो उसे झिड़का देता है। जिस मार्ग में आप लेके जाना चाहते हो प्रभु, उस मार्ग में बहुत पत्थर है प्रभु, बहुत
अपराध के रूप में उसे त्याग दे देंगे। गुड मॉर्निंग सर। जब हम यीशु मसीह को त्याग देते हैं तो प्रयोग कोई भी हमारा नहीं रहता। हेलो मैडम, आप मेरी जॉब में आ सकता हूँ जब? उसको नौकरी भी नहीं मिली, उसको गर्लफ्रेंड भी नहीं मिली। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? एक दूर और उसके फ्रेंड वो भी उसको नहीं मिले। मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? सब मुझे छोड़ के चले गए प्रभु। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सब कुछ बुरा हो रहा है, मैं बहुत बुरा हूँ प्रभु। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा मार्ग में जाऊँ प्रभु। प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस स्थिति से वो घूम फिर कर फिर से अपना जीवन यीशु मसीह से मांग लेता है। हे प्रभु, मुझे मेरा जीवन मुझे वापस चाहिए। और जैसे वो अपना जीवन यीशु मसीह से वापस ले लेता है, हम यहाँ पर देखते हैं उसके मन पर बहुत हमले होने लगते हैं और फिर वो गलत मार्ग में जाता है। मेरे सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब बुरे, सब बुरे, सब मुझे छोड़ के चले गए। उसको बुरा लगने लगता है, इसलिए वो दारू पीने लगता है। Thank you.
कि यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि हम थोड़ी सी वस्तुओं के लिए, थोड़ी सी बातों के लिए हम यीशु मसीह को छोड़ तो देते हैं, पर हमारे यीशु हमसे इतना प्यार करता है कि वो तुरंत हमें गले लगा लेता है। जब हम उसे क्षमा मांगते हैं, जब अपने पापों को कबूल करते हैं, तो वो हमें तुरंत गले लगा लेता है, हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें बहुत प्यार करता है। इसलिए प्रियो, यीशु को कभी मत छोड़ना, कभी मत त्यागना, हमेशा यीशु के पीछे चलते रहना। यही इस मैसेज के द्वारा हमारा आपको, इस नाटक के द्वारा हमारा आपको ये संदेश है कि यीशु को कभी मत छोड़ना।